गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मीनू पांडे, आप लोग का वाइब्रेशन क्लास में स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, डाइट, आहार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आहार कौन कौन से होते हैं, आहार कितने प्रकार के होते हैं, किस अवस्था में व्यक्ति को कैसा आहार देना चाहिए, पूरा डिटेल में हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने जो है आहार को स्टार्ट करते हैं, जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड, जैसे हम लोग जानेंगे कि आहार क्या होता है। आहार फ्रेंड हमारे जो डेली रूटीन होता है, हम लोग पूरा खाना खाते हैं, तो खाना हमारा कैसा है, न्यूट्रिशन युक्त है कि नहीं है, हमारे शरीर के जैसे वेट है, हमारी लंबाई जितनी है, हमारा आकार जैसा है, उस हिसाब से है कि नहीं, या फिर मान लीजिए हमें कोई डिजीज़ है। नॉर्मल जैसे घर में सारे फैमिली मेंबर होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही खाना बन रहा है तो वो सारे लोगों के लिए सही ही रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि उसमें किसी को बुखार हुआ है, किसी की तबीयत ख़राब हो, या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, तो क्या होता है कि ऐसी स्थिति में उसे जो है अलग तरह का भोजन देना चाहिए। जो भोजन सब जैसे और लोग हैं तो ऑयली खा रहे हैं, स्पाइसी खाना खा रहे हैं, तो मान लीजिए किसी को कोई डिजीज़ है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो उसे हम सादा आहार देंगे, या फिर उसको जो रोग हुआ है, जो डिजीज़ हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसको हम आहार देंगे। फिर जैसे कोई मरीज होता है, वो क्या होता है कि पहले तो साधारण तरीके से वो भोजन कर ही नहीं पाता है। अगर हमें थोड़ा भी बहुत फीवर हुआ, या फिर कोई पेन हुआ, या फिर अंदर से कोई हमें दिक्कत हुई, तो तुरंत सबसे पहले हमारा खाना ही इफेक्ट होता है, हम खाने से ही दूर भागते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक डाइट प्लान, जैसे कभी कभी व्यक्ति ऐसी अवस्था में चला जाता है कि उसे वो बेहोश हो गया, या फिर वो ऐसी कंडीशन में है कि वो भोजन खुद से ले ही नहीं पा रहा है, तो जो है उसे क्या होता है कि जब उसे सिराओं द्वारा भोजन प्रदान किया जाता है, उसे मुँह द्वारा दिया जाता है, तो जैसे तरल पदार्थों को अधिक दिया जाता है, ताकि क्या है कि उसको अच्छे आसानी से उसका जो पाचन संस्थान है उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर ले। तो आज हम लोग आहार के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि आहार के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आहार के प्रकार तो पहला है सामान्य आहार है, दूसरा है कोमल या अर्धठोस आहार है, तीसरा आपका पूर्ण तरल आहार है, चौथा आपका तरल आहार है, और पांचवा आपका सौम्य आहार है। मतलब आपका जो फर्स्ट है वो नॉर्मल डाइट है, सेकेंड आपका सॉफ्ट और सेमी सॉफ्ट डाइट है, थर्ड आपका क्लियर फ्लूइड डाइट है, आपका चौथा जो है वो लिक्विड डाइट है, पाचा जो आपका है वो ब्लैंड डाइट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सामान्य आहार जो नॉर्मल डाइट होता है वो क्या होता है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल डाइट में जो क्या होता है कि ठोस एवं तरल पदार्थों को का मिश्रण होता है, तथा इसमें मिर्च मसाले कम मात्रा में पड़ते हैं। नॉर्मली हम लोग जो डेली अपने घर में, कुछ लोगों को देखिए, आपको आप में भी इसमें कई लोग होंगे जिन्हें बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा तीखा भोजन पसंद होगा, लेकिन क्या होता है कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। हमें हर एक चीज़, वैसे ही यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हमें हर एक चीज़ बैलेंस में बना के चलनी चाहिए, हमें किसी भी चीज़ की अधिकता, किसी भी चीज़ की कमी, दोनों हमारे लिए घातक हो जाती हैं। तो अगर हम मिर्च मसाले का भी सेवन कर रहे हैं तो नॉर्मल है, हमारी तबीयत ठीक ठाक है, एकदम हेल्दी कंडीशन में है, तब भी क्या होना चाहिए कि हमें एक नॉर्मल डाइट लेनी चाहिए, उसमें कम मसाले होने चाहिए, कम मिर्च मसाले होने चाहिए, और उसे इस तरह से पकाया जाए कि उसके जो पोषक तत्व हों वो नष्ट ना हो, और लंबी अवधि के रोग के पश्चात, जैसे अगर कोई बहुत दिन के बाद बुखार, जैसे बहुत दिन से किसी को एक हफ्ते से फीवर हो रहा है, या फिर किसी को जो है जॉन्डिस हो गया, तो जब ये रिकवर हो जाता है फ्रेंड, तो ऐसी स्थिति में हमें सामान्य एग्ज़ाम में फ्रेंड्स, इसमें जितने भी मैं आपको पाँचों पढ़ाऊँगी ना, इसमें सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में यही पूछेगा कि कौन सी स्थिति में कौन सा आहार दिया जाता है। तो इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा कि जब एक लंबी अवधि के बाद व्यक्ति क्या होता है कि ठीक होता है, तो उस कंडीशन में उसे सामान्य आहार, नॉर्मल डाइट दी जाती है। फिर आपका आ गया कोमल या अर्धठोस आहार। इसमें क्या होता है कि यह वह आहार होता है
जिसे बिना चबाए निकाला जा सकता है। इसमें रेशे युक्त पदार्थ नहीं होते या फिर बहुत कम होते हैं। अर्ध ठोस पदार्थ द्वारा रोगियों को दिया जाता है जो भोजन को मुंह में चबा नहीं सकते, जो पाचन तंत्र संबंधी रोगी से पीड़ित है नौ अथवा वह मरीज जो शल्य क्रिया चिकित्सा के बाद सामान्य आहार ग्रहण करने में असमर्थ हो। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि बहुत ज़्यादा व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो उसे अब ये नहीं है, जैसे डिहाइड्रेशन की कंडीशन जब हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर व्यक्ति के अंदर जल की कमी हो जाती है, वो बेहोशी की अवस्था में आ जाता है, तो उस समय आप क्या करते हैं कि उसे कोमल आहार ही दिया जाता है, जैसे खिचड़ी दी जाती है, ग्लूकोज का पानी दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें दी जाती है ताकि वो क्या करे कि उसे अच्छे से आसानी से डाइजेस्ट उसका सिस्टम कर सके। और अर्ध ठोस आहार में जैसे अनाज हो गया, अनाज में आपका मैंने बताया ना कि जैसे चावल चावल की खीर हो गई, दलिया हो गया आपका, साबूदाना काले साबूदाने की खिचड़ी हो गई, और रोटी हो गया, रोटी आप अगर दूध में भिगो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। फिर आपका दालें हो गया, दालें तो आप जानते ही हैं, विभिन्न प्रकार की दालें होती हैं, जैसे वो फिर सब्जियां आपकी हो गई, सब्जियों में आपका जैसे पालक हो गया, गाजर हो गया, सेम हो गया, और ये सारी जो सब्जियां होती हैं। फल में आपका जैसे मौसमी फल जैसे पपीते हो गया, जैसे इस टाइम क्या है कि अंगूर है, सेब है, अभी लीची आने वाला है, तो ये सारी चीज़ों का सेवन कर दिया जाता है। फिर मांस मछलियाँ, मांस मछलियों में भी उनसे एक चीज़ को ध्यान दिया जाता है कि इसमें जो होता है वो हड्डियों को हटा कर दिया जाता है, हड्डियाँ को निकाल कर ये उबाला जाता है, फिर इन्हें पकाया जाता है, और इन्हें भाप के द्वारा पकाया जाता है ताकि ये क्या है कि अंदर से पूरी तरह से पकें और जो है पक जाएँ और व्यक्ति को आसानी से डाइजेस्ट भी हो सके। फिर आपका दूध अंडा हो गया, इसमें भी जैसे अंडे की पुडिंग बनती है, आपका जैसे उबला हुआ अंडा आपने खा लिया, ये सारी चीज़ें अंडे से बनती हैं जो कि कोमल या अर्ध ठोस आहार में दी जाती हैं। फिर आपका दूध हो गया, दूध से आपका जैसे पनीर हो गया, चीज हो गया, छेना हो गया, छेना छेना जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डाइजेस्टिंग होता है, बहुत आसानी से वो डाइजेस्ट होता है, इसलिए जब भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ ऐसा होता है तो मतलब ग्लूकोज वगैरह की ज़रूरत होती है, या फिर बहुत जल्दी हमें ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, या फिर व्यक्ति को कोई रोग हुआ है और वो ठीक हुआ है, ऐसी स्थिति के बाद भी उसे छेना दिया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी उसके अंदर अंदर एनर्जी आ सके। फिर अन्य आपका हो जाता है, अन्य में जैसे आपका जैम है, जेली है, ये सारी भोज्य पदार्थ इसमें आते हैं। उसके बाद आपका आ गया पूर्ण तरल आहार। पूर्ण तरल आहार जो होता है, इसमें क्या होता है कि सामान्य तापक्रम पर तरल रूप में ही रहते हैं, इन्हें पकाकर तरल रूप में ही लिया जाता है। देखिए ये जो पूर्ण तरल आहार होता है ना गैस, ये क्या होता है कि जब आहार की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ सामान्य तापक्रम तरल रूप में रहते हैं तथा जिनको पकाकर तरल रूप में लाया जा सकता है, जैसे मतलब ये रहते तो जो है सामान्य तापमान पर रहे, लेकिन जब इन्हें हम पकाते हैं तो इन्हें हम तरल रूप में लाते हैं, तो वो जो होता है आहार होता है वो आपका पूर्ण तरल आहार कहलाता है। और इसमें क्या होता है कि सामान्य विधि जैसे इसको मुँह के द्वारा दिया जाता है, मुँह के द्वारा दिए जाने का सेंस है कि जैसे व्यक्ति को बहुत तेज बुखार हुआ है, काफ़ी दिनों से इसे बुखार हुआ है, कोई जो है ये जो है हार्ट की प्रॉब्लम है उसे, या फिर कोई ऐसा रोग एक्यूट कोई ऐसा तीव्र रोग उसे हो गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसे पूर्ण तरल आहार ही देना चाहिए। जब क्योंकि वो क्या होता है कि जब हमें कोई हमारी तबीयत खराब होती है, अभी कुछ ऐसा होता है, तो हमारा पूरा सिस्टम होता है ना वो डिसबैलेंस हो जाता है, मतलब उसमें संतुलन नहीं रहता है, वो अपना कार्य, क्योंकि उस समय हमें पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता रहता, तो उनके भी कार्य अस्त व्यस्त हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें उन्हें पूर्ण तरल आहार देना चाहिए ताकि क्या हो कि वो डाइजेस्ट आसानी से आराम से कर सके। और एक चीज़ इसमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो पूर्ण तरल आहार होता है फ्रेंड्स, वो ज़्यादा पौष्टिक नहीं होता है, इसीलिए इसे ज़्यादा दिन तक नहीं देना चाहिए, जैसे सिर्फ 4-5 दिन तक ही देना चाहिए, ताकि जब ये पता चल जाए कि हाँ अब वो व्यक्ति क्या है कि उसे डाइजेस्ट करने में समर्थ हो चुका है, तो उसके बाद उसे धीरे धीरे आप सामान्य आहार दे सकती हैं।
फिर क्या होता है कि जैसे जिन व्यक्तियों को उल्टी आने लगती है, जैसे होते हैं ना उल्टी आते आते डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है, फिर भूख नहीं लगती है, पानी की कमी हो जाती है, या फिर तो ऐसी स्थिति में उन्हें पूर्ण तरल आहार देना चाहिए। पूर्ण तरल आहार में जैसे आपका ये हो गया नींबू का रस हो गया, फलों का रस हो गया, गन्ने का रस हो गया, अनाज में अगर आप देना चाहते हैं तो जैसे माड़ हो गया, चावल का पानी हो गया, और दालें जो दी जाती हैं वो दालें गाढ़ी नहीं दी जाती हैं, दालें एकदम पतली बनाई जाती हैं, फिर उन्हें छान लिया जाता है। सब्जियाँ हो गया, सब्जियों के सूप हो गए, शर्करा हो गई जिसे ग्लूकोज या इलेक्ट्रॉल के जो पाउडर आते हैं, फिर ये सारी चीज़ें दी जाती है। फिर आपका दूसरा आता है कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि में क्या होता है कि इसमें रोगी को दो प्रकार से भोजन दिया जाता है, एक तो पहला आपका नली द्वारा और दूसरा आपका अंतःशरीर पोषण। जो नली द्वारा दिया जाता है इसमें क्या होता है कि जो वैसे तो भोजन देने की सबसे अच्छी विधि तो मुंह द्वारा ही होती है, ये तो नॉर्मल सी बात है, किसी को भी क्या होता है कि वो भोजन जो ग्रहण करता है वो मुंह के द्वारा ग्रहण करे तो ज़्यादा सही रहता है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, रोगी बहुत ज़्यादा अपनी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, तो उसे उस कंडीशन में नली द्वारा भोजन दिया जाता है, ताकि क्या हो कि उसे एनर्जी मिल सके, वो उसके अंदर जो कार्य हो रहे हैं वो होते रहें। लेकिन आहार देने के लिए नलियाँ तीन प्रकार की, तो मतलब जब ये नली द्वारा दिया जाता है तो ये तीन प्रकार की नलियाँ होती हैं, उन्हीं के द्वारा ये दिया जाता है। तो सबसे पहले नासिका आमाशयी अपोषण होता है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, मैं यहाँ पे इसे नोट डाउन कर देती हूँ। तीन प्रकार के होते हैं, काम सर दूसरा आपका हो गया आमाशयी पोषण, तीसरा आपका हो गया अंतरण पोषण। ये आपका तीनों प्रकार हो गया किसका, कृत्रिम विधि का। इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले नासिका, और सबसे पहले आपको पढ़ना है नासिका आमाशयी पोषण, ये सबसे पहले मैं पढ़ा है नासिका आमाशयी पोषण। इसमें क्या होता है कि 3 से 4 मिलीलीटर ब्याज, मतलब नाशिका जो नाक के द्वारा जो नली होती है उसकी जो लंबा उसका जो 3 से 4 मिलीलीटर ब्याज की ये पतली नरम पॉलीथीन की नली पर जैतून का तेल लगाकर या लिक्विड पैराफिन द्वारा इसे चिकना बनाकर रोगी के नाक में धीरे धीरे ये प्रवेश कराया जाता है। अगर जैसे मान लीजिए जब ये डाला जा रहा है तो रोगी को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, तो उसमें क्या करते हैं कि प्रोक्रेन घोल का एक स्प्रे आता है उसे नाक में डाल दिया जाता है, फिर इसे चिकनी नली के द्वारा नाक में धीरे धीरे डाला जाता है। एक और बात है फ्रेंड कि करीब ये क्या होता है कि 18 इंच तक अंदर ये डाली जाती है, ये जो पतली नली होती है ये 18 इंच तक अंदर डाली जाती है। जब ये डाली जाती है तो रोगी को एक हल्की सी खांसी आती है, तब ये मान लिया जाता है कि जो नली है वो जो है वहाँ तक पहुँच गई है, और ये जो प्रक्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स ये जब वहाँ तक पहुँच जाती है, नली तक पहुँच जाती है, ये जो सो नली होती है पतली, जब ये 8 इंच तक पहुँच जाती है, जब व्यक्ति को हल्की सी खांसी आ जाती है, तब यह माना जाता है कि जो नली है वो फेरिंग्स तक पहुंच चुकी है, और अब रोगी को नली निकलने के लिए कहा जाता है ताकि वह आहार नाल में प्रविष्ट हो सके, मतलब वह उसमें आसानी से उसे खा सके।
फिर इसे जो है जब यहाँ तक हो जाता है तो फिर इसे आसानी से आमाशय में उतारा जाता है। फिर इसे क्या किया जाता है कि प्रचूर्ण द्वारा नली में आमाशय के पदार्थों को प्राप्त कर निश्चित किया जा सकता है कि नली आमाशय में ही पहुँची है और न कि श्वास नलिका में, क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है और इसे बहुत सावधानी पूर्वक करना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है कि रोगी को प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अब इस नली को रोगी को सिरहाने की तरफ स्टैंड पर लगा दिया जाता है ग्रेविटी ड्रिप में, जो कि रोगी से करीब 2-3 फीट की ऊंचाई पर होता है, और नली तथा पट्टियाँ अपनी स्थिति से ना हटे इसके लिए कपाल पर नली को चिपकाने वाली जगह चिपका दिया जाता है। इससे लाभ क्या क्या होते हैं फ्रेंड? इसे इसका जो लाभ होता है वो सबसे पहले तो होता है कि ये पोषण देने में आसानी होती है, मतलब व्यक्ति के अंदर पोषण जा रहा है। फिर दूसरा क्या होता है कि पर्याप्त द्रव, उसके अंदर पानी की कमी नहीं होने पाती है। फिर क्या होता है कि ऐसे भोजन या दवाइयाँ जिन्हें रोगी कभी कभी लेने से मना कर देता है कि नहीं मुझे नहीं खाना है, नहीं वो लेना है, तो ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर आसानी से बिना समस्या पैदा किए हुए चली जाती हैं। फिर आपका आ गया नली द्वारा पोषण प्रदान करना। जैसे नली द्वारा जो पोषण प्रदान किया जाता है उसमें आपका जैसे तीन होते हैं, तो नली द्वारा जो पोषण प्रदान किया जाता है उसमें तीन होते हैं। एक अधिक कार्बोजयुक्त आहार होता है, दूसरा आपका अधिक कार्बो सामान्य प्रोटीन युक्त आहार होता है, और तीसरा आपका होता है अधिक प्रोटीन आपका तीसरा जो होता है फ्रेंड्स वो अधिक प्रोटीन युक्त आहार होता है, अधिक प्रोटीन युक्त आहार होता है। इसमें जो आपका अधिक कार्बोजयुक्त आहार होता है उसमें जैसे पानी हो गया, ग्लूकोज हो गया, संतरे का रस हो गया, मतलब जितने भी आपके क्या हैं आपके मोनोसेक्राइड्स हैं वो सारी चीज़ें कार्बोज में यहाँ पर दी जाती हैं। उसमें आपका दूसरा आ गया फिर अधिक कार्बोहाइड्रेट मध्यम युक्त जो वसाएँ होती हैं उनका, जैसे गाय का दूध हो गया, जौ का पानी हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सारी चीज़ें। फिर अधिक कैलोरी युक्त में भी आपका ग्लूकोज आता है, शक्कर आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। और आमतौर पर देखिए 24 घंटे में 2 लीटर तक मात्रा उन्हें दी जाती है, और अधिक दी जाती भी है और दी जा सकती भी है, और अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होने पर इनकी मात्रा को बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन आमतौर पर तो देखिए तो 60 से 70 ग्राम ही प्रोटीन की आवश्यकता हमें दिन भर में होती है। लेकिन जब क्या होता है कि व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है, उसे कोई प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उस जो ग्राम होता है मतलब आहार का जो एक वैल्यू होता है, जो उसकी क्वांटिटी होती है, उसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद एक और जो आता है वो आपका गेस्ट्रो नली द्वारा, तो मैंने ये हो गया। फिर एक आता है आपका आपका आ गया गेस्ट्रोस्ट्रोमी। ये दोनों जो मैं आपको बताऊंगी ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने ध्यान से सुनोगा। एक आपका आ गया गेस्ट्रोस्ट्रोमी, हाँ गेस्ट्रोस्ट्रोमी। ये क्या होता है कि जैसे अन्न नलिका जो होती है, अगर उसी व्यक्ति को कैंसर होने की दशा में, जैसे व्यक्ति रोगी को कैंसर हुआ हुआ है, तो ऐसी दशा में क्या होता है कि ये प्रत्यक्ष रूप से नली में डाल दिया जाता है, अर्थात गेस्ट्रोस्ट्रोमी द्वारा भोजन देना जरूरी होता है। जैसे अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में ये पूछ लिया, आपके एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ लिया कि कौन सा जो है नली का प्रयोग करेंगे जब व्यक्ति को कैंसर हुआ रहेगा, तो उसमें क्या होता है कि गेस्ट्रोस्ट्रोमी नलिका का प्रयोग उस समय किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि तालिका जो हमारा तालिका एक मेन्यू बनाए हुए रहते हैं भोजन का कि ये देना है, उसे आसानी से उसके अंदर चला जाता है। फिर आपका दूसरा आता है जेजुनोस्टोमी आता है। जेजुनोस्टोमी जो होता है ये क्या होता है कि इस प्रकार से आहार में आमाशय तथा अन्न नलिका के अत्यधिक पदार्थ की स्थिति में कैंसर या पूर्ण आमाशय निष्कासन या अन्न नलिका को कुछ भाग निकालने की स्थिति में दिया जाता है। देखिए फ्रेंड, जो गैस्ट्रोस्ट्रोमी के समान ही जेजुनोस्टोमी शल्यक्रिया होती है, बस अंतर ये होता है कि इसमें छिद्र बनाकर नली प्रविष्ट की जाती है। जो जेजुनोस्टोमी होता है इसमें छिद्र बनाकर की जाती है,
पोषण की दृष्टि से इसमें थोड़ी जटिलता होती है क्योंकि जो लार तथा आमाशय ग्रस्त द्वारा पाचन अनुपस्थित होता है और गैस्ट्रोटॉमी होने पर पाचन के दौरान भोजन के में संग्रह का अंग उपलब्ध न होने पर आधे घंटे पर ग्लूकोज तथा विटामिन युक्त दूध आहार को 100 मिलीलीटर मात्रा में देना आवश्यक हो जाता है। एक राइटर हैं जो उन्होंने हॉलेंडर और ने कहा है कि जो जिज्यूनस्टोमी के रोगियों के लिए जो पूर्व पाचित प्रोटीन तथा कार्बोज के साथ विटामिन एवं खनिज लवणयुक्त क्रीम से परिपूर्ण विशिष्ट आहार प्रस्तावित किया जाता है। तो फिर आपका आता है अंतर शरीर पोषण जो होता है वो शिराओं के द्वारा, मतलब हमारी जो नसें होती हैं उनके द्वारा दिया जाता है। और इस विधि में क्या होता है कि जैसे आमाशय आत्मार्ग की शल्यक्रिया किए जाने पर या अत्यधिक जल जाने पर, ये ऐसी ऐसी स्थितियों में दिया जाता है, या फिर मधुमेह की जटिलता के कारण, जैसे मधुमेह की जटिलता है, इंसुलिन कंडीशन ये हो गई है कि हर व्यक्ति को रोज़ इंसुलिन लेना पड़ रहा है, या फिर उसे यूरेमिया की दिक्कत हो गई, उसे कोई गंभीर चोट लग गई, वो बेहोशी की स्थिति में है, या फिर गले की मांसपेशियों का लकवा होने पर, मुँह में ग्रसिका या नलिका का कैंसर होने पर, ये सारे जब हमारे भोज्य पदार्थ को के मार्ग में ग्रहण करने के मार्ग में रुकावट पड़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमें जो है सिराओं के माध्यम से व्यक्ति में ये सारी चीज़ें जो न्यूट्रिशन होते हैं उन्हें पहुंचाने पड़ते हैं। जैसे क्या होता है, रोगावस्था में होने वाली ऊतक प्रोटीन के ह्रास की क्षतिपूर्ति भी सिराओं के द्वारा भेजकर उसे किया जाता है। फिर आपका आता है अंतर शरीर पोषण के लिए प्रयुक्त पोषण तरल, इसमें आता है पानी में इलेक्ट्रॉल आता है, मांसिक त्वचा आती है, कृत्रिम रूप से तैयार किए गए अमीनो अम्ल आते हैं, जीवन सत्व फिर संपूर्ण रेगुलर। जो पानी में इलेक्ट्रॉल होते हैं ये जैसे बहुत ज़्यादा अगर व्यक्ति को उल्टी हो गई, दस्त हो गई या ऐसी कोई शिकायत हो जाती है तो उसे पानी या इलेक्ट्रॉल देना पड़ता है। फिर प्यास में की अधिकता होती है, जैसे कभी कभी अल्प मूर्छता, मानसिक संबंध शरीर की जल की 6% का सूचक होती है, जो कि इससे ज़्यादा या कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी हमें जो है पानी या इलेक्ट्रॉल, पानी में सिर्फ सादा पानी नहीं पीना चाहिए, उसके साथ इलेक्ट्रॉल मिलाकर या नमक या चीनी का घोल मिलाकर हमें पीना चाहिए, जो कि तुरंत हमारे शरीर को ग्लूकोज प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करती है। फिर गंभीर प्यास हो गया, जैसे कभी कभी अधिक बेचैनी नहीं हो गई, अब मूर्छा अवस्था, बेहोशी की अवस्था आ गई, तो उस समय जो है हमें ये लेना पड़ता है। फिर इमल्सिक वसा 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 का इमल्सन वसा के इमल्सन का प्रयोग अंतर शरीर पोषण के सबसे पहले जापान में किया गया था, परंतु व्यवहारिक कठिनाइयां जैसे सुरक्षित रखने की सुविधा सीमित होने पर कुछ लोगों में विषाक्त प्रभाव जैसे आरकेटी किया, मतलब जैसे पित्त या सीत के रूप में खुजली की जिसे कहते हैं, सांस लेने की तकलीफ होना, टैकिकार्डिया यानी हृदय की धड़कन बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें उत्पन्न हुई, ये समस्या उत्पन्न हुई, तो इनको वो करने के लिए अतः इसका उपयोग आमतौर पर इन्हीं पर किया जाता है, और अमेरिका में ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। मतलब मैंने आपको जितना बताया उसमें क्या होता है कि आमतौर पर इसके लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, और ये अमेरिका, जापान ने वैसे इसे स्टार्ट किया था, जापान ने इसकी खोज की थी, लेकिन क्या हुआ कि इसकी खोज करने के बाद जब ये चीज़ों का प्रयोग हुआ तो ये सारी चीज़ें दिक्कतें शुरू हो गई, तो क्या हुआ कि ये बाद में बंद हो गया, और अमेरिका में तो ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। फिर आपका अमीनो अम्ल हो गया, कार्बोज अल्कोहल हो गए, विटामिन हो गए, संपूर्ण रक्त प्लाज्मा हो गई, फिर ये सारी चीज़ें आपकी आ गई। अब आपका चौथा आ गया तरल आहार। तरल आहार तो जैसे तरल आहार तो आप जानते हैं कि ये पूर्ण जो पूर्ण तरल आहार होता है, तरल आहार होता है, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं होता है, बस इसमें एक ही अंतर ये होता है कि जो पूर्ण तरल आहार होता है उसे हम छान कर देते हैं, और जबकि ये जो तरल आहार होता है इसे हम बिना छाने हुए भी रोगी को दे देते हैं। जो तरल आहार होता है वो पूर्ण तरल आहार से अधिक पौष्टिक माना गया है, जिससे इसमें उन रोगियों को दिया जाता है जो भोजन चबाने में असमर्थ होते हैं या फिर निगल नहीं सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें ये सारी चीज़ें दिया जाता है।
दिया जाता है। और फिर आपका आ गया सौम्य आहार। आ गया सौम्य आहार में क्या है कि यह सामान्यतः जो है जो सौम्य आहार है ये सामान्यतः आहार के समान होता है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अधिकता होती है। घी तेल का भी प्रयोग होता है, लेकिन थोड़ा कम मात्रा में होता है। तो इस प्रकार हमने फ्रेंड्स आज और जी जो ये आपके सौम्य आहार होते हैं, ये जैसे अल्सर है, किसी व्यक्ति को अल्सर है या फिर पाचन तंत्र संबंधी कोई रोग है, तो ऐसी स्थिति में दिया जाता है। और शल्याहार में आप जो है रेशे युक्त खाद्य पदार्थों का भी प्रयोग कर सकती हैं। और इसमें जैसे छिलके युक्त मोटे अनाज का कोई भोज्य पदार्थ बना के देना, सब्जियां, पत्ता गोभी, भिंडी, और जैसे आप थोड़ा बहुत मात्रा में चाय भी दे सकते हैं, चाय कॉफ़ी दे सकते, कम मात्रा में मिर्च मसाले, या फिर कहें तो नहीं दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रोगी व्यक्ति है, उसे हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो जब तक वो अच्छे से ठीक ना हो जाए तब तक उसे ऐसी चीज़ें ना दें। हमेशा जो है उसे चर्बी युक्त मांस की तरकारी वगैरह ना दें, मतलब जितने भी नॉन वेजिटेबल हैं वो इतनी जल्दी ना दें। मिठाइयाँ ना दें, अचार चटनी ये सब तो मसाले वाली चीज़ें ये भी नहीं देना चाहिए। तो जो सौम्य आहार होता है फ्रेंड्स, ये हमेशा अल्सर के लोगों व्यक्तियों को दिया जाता है। तो और आप जानते हैं कि अल्सर के व्यक्तियों को बहुत ही ज़्यादा भोजन प्रदान किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए उन्हें देना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज हमने पढ़ा आहार के बारे में, हमने आहार के बारे में आहार के पांचों प्रकार का डिटेल में जो है उसको डिस्कशन किया। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं ऐसे ही नए नए टॉपिक पे फुल डिटेल नॉलेज लेके आऊँगी। और अगर आपका कोई भी निगेटिव या पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में से मेंशन करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।